हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। लेट्स कुक में आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट आइसक्रीम, जो बनने के बाद बहुत ही टेस्टी बनेगा। और उसको बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है, आइए मैं वो आप लोग को भी दिखा देती हूँ। मैंने लिया है पका एक आम और 4 चम्मच शक्कर, 4 चम्मच मैंने लिया है मिल्क पाउडर, और मैंने लिया है मलाई, और 4 से 6 मैंने लिया है इलायची। फ्रेंड्स, ये आइसक्रीम बनने के बाद बहुत ही लाजवाब बनेगा। अब मैं करूँगी गरम दूध, जिसके लिए मैंने आधा लीटर दूध रख दिया है गरम होने के लिए। फ्रेंड्स, ये मैंने अमूल गोल्ड दूध को मीडियम आंच पे अच्छे से पकाना है, और थोड़ा डार्क हो जाए इतनी देर तक पकाना है। और मैं मिल्क पाउडर में डालूँगी थोड़ा गरम दूध, और उसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि उसमें कोई लम्स ना रहे फ्रेंड्स। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसको जो हम गरम दूध कर रहे हैं उसमें ऐड कर देंगे। तो अभी इसको हम अच्छे से चला के इसको इसका लम्स ख़त्म करेंगे। हमारा दूध गरम हो रहा है और काफ़ी हद तक ये गरम भी हो गया है। इसमें मैंने 7 से हमारा काफ़ी हद तक गरम हो गया है। इसमें मैंने 7 से 8 काजू और बादाम मिक्सी करके डाल दिया है ताकि इसका टेस्ट फ्रेंड्स और बढ़ जाए। और हमें इसे बहुत अच्छे से स्लो आंच पे पकाना है, थोड़ा ये और अच्छे से हो जाएगा फिर ये हमारा आइसक्रीम बनने के लिए एकदम अच्छे से रेडी हो जाएगा। अभी हम इसमें मिल्क पाउडर नहीं ऐड करेंगे। ये जो आइसक्रीम मैंने बनाया है वो बनने के बाद बहुत ही टेस्टी था। एक बार मैंने इससे पहले भी इसको बना के खाया था। इसके लिए मैं आप लोग को भी शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी बनाइए और आइसक्रीम का आनंद लीजिए। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। फ्रेंड्स, अभी हम ले लेंगे मिक्सी जार, और जिसमें हम ऐड करेंगे, और इसमें डाल लेंगे 5-6 इलायची जो मैंने रोस्ट करके रखा था ताकि ये अच्छे से पाउडर फॉर्म में आ जाए, और शक्कर मैंने जो 4 से 5 चम्मच लिया था, और इसका कैप लगा के हम इसको अच्छे से पाउडर फॉर्म में कर देंगे। और फ्रेंड्स, अभी हम मलाई नहीं डालेंगे और क्योंकि ये अच्छे से बारीक नहीं। इसके लिए पहले हम तैयार करेंगे पाउडर, शक्कर पाउडर को, उसके बाद ही हम डालेंगे ये अपना मलाई। फ्रेंड्स, मैं आपको बोलूँगी कि जब हमारा शक्कर और इलायची का पाउडर तैयार हो जाए तो हमें छन्नी से उसको अच्छे से चाल लेना है, नहीं तो हमारा आइसक्रीम अच्छे से नहीं बनेगा। ऐड करने के बाद कभी कभी उसका छिलका जो है आ जाता है आइसक्रीम में, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमारा दूध एकदम अच्छे से गाढ़ा हो गया है। मैंने जो मिक्स किया था पाउडर उसको उसमें ऐड कर दिया है, मिल्क पाउडर को भी। और फ्रेंड्स, हमारा जो है शक्कर और इलायची का पाउडर एकदम अच्छे से फाइन सा तैयार हो गया है। और वो मैं आप लोग को फिर से बोलूँगी कि आप लोग इसको एक बार बहुत अच्छे से प्लीज़ छान लीजिएगा, और क्योंकि वो बाद में बनने के बाद इतना मेहनत करने के बाद अच्छा नहीं अगर आएगा तो फिर मज़ा नहीं आता है। और फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे मलाई, और मलाई जो है मैंने 4 चम्मच लिया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो आप अपने हिसाब से हर चीज़ बढ़ा या घटा सकते हो। फ़िलहाल मैंने 4 ही चम्मच लिया है। हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद मैंने एक पका हुआ आम लिया था जो बहुत ही मीठा था, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और बहुत अच्छे से हम इसको मिक्सी कर लेंगे। मिक्सी हमें 2 से 3 मिनट चलाना है, पर कंटिन्यू नहीं चलाना है, थोड़ा रुक रुक के चलाना है ताकि ये बहुत फ्लफी बने। अब मैंने इसको कर लिया है बहुत अच्छे से मिक्सी, और उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे दूध का टेक्सचर कैसा है। तो ये बहुत ही गाढ़ा और बहुत ही अच्छा बन रहा है, और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। और ये ठंडा भी हो गया है, तो हम आम का जो प्यूरी बनाए हैं उसको निकाल लेंगे, और उसी में हम ऐड कर देंगे ये अपना दूध, ड्राई मिल्क, और ये जो है दूध उसको भी हम बहुत अच्छे से मिक्सी कर लेंगे। उसको भी हम उसी प्रोसेस में डालेंगे, पहले मतलब 3 मिनट हम उसको मिक्सी करेंगे, पर रुक रुक के करेंगे। और ये आप देख रहे हो हमारे आम का जो पल्प है बहुत अच्छे से तैयार हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट है ये। और इसको भी हम ऐसे ही मिक्सी में पीस लेंगे अच्छे से, रुक रुक के, एक साथ में हम इसको नहीं पीसेंगे। पूरे मिक्सर को हम कर लेंगे मिक्सी जार में ट्रांसफ़र, और उसके बाद हम इसको भी बहुत अच्छे से मिक्सी करेंगे
कम से कम 2 से 3 मिनट पर हम इसको भी रुक रुक के करेंगे, एक साथ में नहीं करेंगे, ताकि ये बहुत फ्लफी बने और इस तो बहुत अच्छा इसका टेक्सचर तैयार हो जाए। और इसको भी मैंने पीस लिया है और दोनों को मैंने ऐड कर दिया है, मिल्क पाउडर और मैंगो का जो टेक्सचर था, और बहुत अच्छे से हम इसको चला लेंगे दोनों को। और आप जैसे देख रहे हो कि दोनों को मिक्स करने के बाद बहुत ही अच्छा कलर आया है और इसका स्मेल भी बहुत सुंदर है। इसका थिकनेस भी बहुत परफेक्ट है, जितना ये आइसक्रीम बनाने के लिए हम लोग को चाहिए फ्रेंड्स। और ये बहुत ही ज़बरदस्त देखने में लग रहा है। और हम इसको बहुत अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे और इसको ट्रांसफ़र कर देंगे किसी बर्तन में। तो अगर आपके पास कुछ अच्छा है तो आप उसमें ट्रांसफ़र करो। मैंने ये परचेस किया था इसमें आइसक्रीम, तो मैं इसी में इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और अगर आपके पास ऐसा प्लास्टिक का ग्लास है तो आप उसमें भी इसको ट्रांसफ़र करके आइसक्रीम जमा सकते हो, जैसे मैंने ग्लास लिया है उस साइज़ का। तो फ़िलहाल तो मैं इसी में इसको ट्रांसफ़र कर आप रही आपके हूँ। हिसाब से जिसमें स्टोर करना चाहो आप उसमें कर सकते हो, फिलहाल मैंने इसी में किया है। और हमें इसको कम से कम 8 से 9 घंटा फ्रीज में रखना है, फ्रीज़र में। पर मैं इसको पूरे रात के लिए रखूँगी ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए और बनने के बाद बहुत ही परफेक्ट बने। फ्रेंड्स, ये आइसक्रीम बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसके लिए मैं ये आप लोग को शेयर कर रही हूँ, छोटा ग्लास में इस रेफर से पैक करूँगी। और वो चीज़ मैं आप लोग को शेयर करूँगी जो कि बहुत ही लाजवाब बने। तो ये वाकई में बहुत लाजवाब बना था। तो फिर मैंने इसको ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था और बनने के बाद ये बहुत ही लाजवाब बना है। इसका सॉफ्टनेस और इसका कलर बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब आया है फ्रेंड्स। मैं आपको इसको कट भी करके दिखाऊंगी और आप लोग भी इंजॉय। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। और ये बन के बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया, मैं आपको इसको कट भी करके दिखाऊंगी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है और बहुत एकदम फ्लफी सा कट भी रहा है। और आप लोग इंजॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।